हमारे और आपके इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है कि ईशा की नमाज पढ़कर लोग घर में चले जाते और आप मस्जिद में बैठ जाते हैं और जब कोई नहीं होता फिर आप नमाज शुरू करते हैं, यहाँ तक कि नमाज में रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, आपकी सजदे की जगह भीग जाती और सुबह की अजान पर आप अपनी नमाज पढ़ते। उस जमाने के उलमा और सुलहा ने कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ईशा की